जैसे तैयारी करते हैं हम, जैसे नेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 6 महीने 8 महीने साल भर भी तैयारी करते हैं। सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम रिवीजन, किसी ने पूछा है कि रिवीजन जब हम करें तो इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स क्या होंगे, कैसे रिवीजन करें पेपर वन की? देखिए दो चीजें, आप तैयारी किसके माध्यम से कर रहे हैं, सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या किसी कोचिंग या किसी टीचर के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत, दोनों कंडीशन में रिवीजन का स्ट्रेटजी आपका अलग अलग होता है जी। ठीक है, जब आप किसी टीचर या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं तो आप घर गए तो पढ़ के जाओ तो तुरंत दोबारा पढ़ने मत बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गाना सुनते हो गाना सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सप्ताह में या 10 दिन 15 दिन में एक मूवी देखने का प्लान करो, आउटिंग पे जाओ, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना। देखो रिवीजन या पढ़ाई, जब तक आपका माइंड रिलैक्स वे में नहीं है तब तक आप गेन नहीं कर सकते चीजों को, तो चीजों को गेन करना भी बहुत जरूरी है। तो एक तो माइंड को रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स करने के बाद से आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी, जब आप घर जाते हैं तो घर में जाइए, चाय वगैरह पीना है चाय पीजिए, पानी पीना है पानी पीजिए, 5-10 मिनट सोचिए कि क्लास में आपने क्या किया, टीचर ने क्या क्या बताया, उसको उसी टाइम पे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप उसी टाइम पे रिकॉल करते हैं तो फिर वो चीजें आपकी मेमोरी में एक सर्टेन वे के द्वारा एस्टैब्लिश होती है, और फिर उसको रिकॉल करना फ्यूचर में आपके लिए बहुत आसान होता है। अक्सर क्या होता है, हम घर जाते हैं, कॉपी किताब को उठा के साइड में रखा, घर के कामों में लग गया, कुछ और काम में लग गया। ठीक है, अच्छा इसको कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। पढ़ के जाते हैं, वो कल कभी नहीं, जब कल पे कोई चीज जाती है ना तो कल कभी नहीं आता है, आज वाला कल होगा, कल वाला परसों होगा, परसों वाला चौथे रोज होगा, बीच में कहीं कोई कहीं जाना, कहीं विवाह आ गया, तो फिर वो 4-5 दिन का कल तैयार हो जाता है, तो कल कभी नहीं आता है। तो सेम डे रिवीजन सेम डे पे कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। और नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं जी, एग्जाम से पहले आप नोट्स नहीं, बिल्कुल एग्जाम फाइनल रिवीजन के टाइम पे नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, तो नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स बना के रखिए, बहुत जरूरी होता है। और पॉइंटर्स बनाइए, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो पॉइंटर्स बनाइए, डिटेल नोट्स सब्जेक्टिव मत बनाइए, जैसे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हैं वैसे मत बनाइए, पॉइंट वाइज बनाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है।